जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सर्वशाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्मानाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगल में मंगल करण बीते राग बेज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निजे भावे सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहुविधि भवे दुखन को करिए सत्ता नाश करिए सत्ता नाश। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह महान अद्भुत ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक जी यहाँ विराजमान हैं, जिनके तीसरे अधिकार पर हमारा स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें अभी हम संसार दुख और उसके कारणों पर विचार कर रहे हैं कि संसार दुख का स्वरूप क्या है, संसार दुख कैसा है, उसके क्या कारण है। और इन सब चीजों को जानकर हमको ये भाषित होगा कि हाँ, वास्तव में संसार में दुखी है। और इसी अपेक्षा को लेकर पंडित टोडरमल जी यहाँ इतने विस्तार से प्रत्येक कर्म की अपेक्षा, प्रत्येक पर्याय की अपेक्षा, सामान्य स्वरूप, इच्छाओं के प्रकार इत्यादि रूप से उसका वर्णन कर रहे हैं, जिससे कि हम सबको ये भाषित हो जाए कि हाँ, वास्तव में संसार में दुख ही है, कि वास्तव में संसार दुख स्वरूप ही है, वास्तव में ये संसार रहने योग्य नहीं है। ऐसी हमारी भाव वासना बने जिससे कि एक संसार के प्रति हमारा वैराग्य भाव उत्पन्न हो। तो भाई पंडित जी यहाँ चाहते हैं, तो यहाँ हमारी बात चार प्रकार की इच्छाओं में, चौथी इच्छा की बात चल रही थी कि जिस जो पुण्य का उदय है उसमें सभी सुख मानते हैं, वहां भी दुख है, उसकी हम बात कर रहे थे। उसका पैराग्राफ है, ये थोड़ा सा पढ़ लिया था हमने, उसको पढ़ के फिर आगे का देखेंगे। यहाँ इतना जानना कि समान इच्छावान जीवों की अपेक्षा तो चौथी इच्छा वाले के किंचित तीन प्रकार की इच्छा के घटने से सुख कहते हैं, तथा चौथी इच्छा वाले की अपेक्षा महान इच्छा वाला चौथी इच्छा होने पर भी दुखी होता है। किसी के बहुत विभूति है और उसके इच्छा बहुत है तो बहुत आकुलतावान है, और जिसके थोड़ी विभूति है तथा उसके इच्छा भी थोड़ी है तो वह थोड़ा आकुलतावान है। अथवा किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे
भाई पंडित जी कह रहे हैं कि किसी को अनिष्ट सामग्री मिली है और उससे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है, तो वह थोड़ा आकुलतावान है कि जैसे हम मुनिराज को ही लें कि इतने भयंकर अवसर आने पर भी वो जब अपने निज ज्ञायक में लीन है, उनको उस अवसर को दूर करने की इच्छा नहीं है, तो उनको कोई आकुलता भी नहीं है, वो तो अपने निज सुख स्वभाव में रहकर सुखी हो रहे हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो उपसर्ग दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण क्या है कि उसको जो दूर करने की इच्छा है, अनिष्ट सामग्री को दूर करने की इच्छा या इष्ट सामग्री को भोगने की इच्छा, वो दुख का कारण है, वो उपसर्ग दुख का कारण नहीं है। इसीलिए कहा कि अनिष्ट सामग्री मिली है और उसे उसको दूर करने की इच्छा थोड़ी है, तो वह थोड़ा आकुलतावान है। और किसी को इष्ट सामग्री मिली है परंतु उसे उसको भोगने की तथा अन्य सामग्री की इच्छा बहुत है, तो वह जीव बहुत आकुलतावान है। कि किसी को इष्ट सामग्री मिल गई, कि जैसे किसी को बहुत पैसा, रुपया पैसा मिल गया, वो बहुत धनवान हो गया, अब उसको उसको भोगने की और उसके माध्यम से अन्य सामग्रियों की इच्छा इतनी ज्यादा है कि वो प्रति समय आकुलतावान है, प्रति समय दुखी है। कि जैसे कल भी एग्जाम्पल लिया कि जैसे हम कहें कि मुकेश अंबानी कि इतना धनवान होने के बाद भी उसको आकुलता बहुत है, क्योंकि उसे उसको भोगने की और अन्य अनेक सामग्री को जुटाने की, अन्य अनेक सामग्रियों को एकत्र करने की और पैसा कमाने की इत्यादि की इच्छा बहुत है, तो बहुत आकुलतावान है। तो देखो, अनिष्ट सामग्री मिलने पर भी आकुलता कम हो रही है और इष्ट सामग्री मिलने पर भी आकुलता बहुत हो रही है। इसका मीनिंग क्या कि जो सामग्री है वो सामग्री दुख का कारण नहीं है। और हम गलती यही करते हैं कि सामग्री को ही सुख दुख का कारण मान लेते हैं, कि इष्ट सामग्री को सुख का कारण मानकर उसको ग्रहण करना चाहते हैं और अनिष्ट सामग्री को दुख का कारण जानकर उसको दूर करना चाहते हैं। जबकि पंडित जी यहाँ कह रहे हैं कि हो सकता है अनिष्ट सामग्री वाले को भी थोड़ी आकुलता हो और हो सकता है कि इष्ट सामग्री वाले को भी बहुत आकुलता हो। इसीलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है, सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। कि देखो, आज कोई गर्मी में पंखा चल रहा है तो भी वो दुखी है कि मुझे तो कूलर और एसी चाहिए, उसकी इच्छा इतनी है कि उसको पंखे में भी दुख लग रहा है। और कोई व्यक्ति ऐसा है कि गर्मी के मौसम में पंखा भी नहीं है तो भी वह खुश है, तो भी उसको कोई टेंशन नहीं है। और ऐसा हम प्रत्यक्ष में देखते भी हैं कि बहुत साधर्मी भाई तो ऐसे हैं ही कि जो पंखे को यूज में नहीं लेते, है ना। और साधर्मी भाइयों की बात छोड़ें, हम अन्य की बात करें कि जैसे कोई रोड पर रहने वाले हैं, कोई झोपड़ी में रहने वाले हैं, ऐसे जो लोग हैं उनको गर्मियों में पंखा भी नसीब नहीं है, लेकिन फिर भी उनको कोई बहुत ज्यादा दुख नहीं है। और एक पंखे में रहने वाला व्यक्ति, उसको कूलर और एसी चाहिए, उसके बिना वो दुखी हो रहा है। इसका मीनिंग क्या निकला कि अनिष्ट सामग्री या इष्ट सामग्री सुख दुख का कारण नहीं है, सुख दुख का कारण तो इच्छा ही है। इसीलिए सुखी दुखी होना इच्छा के अनुसार जानना बाह्य कारण के अधीन नहीं है। नार की दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं, वह भी इच्छा की ही अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है और देवों के मंद कषाय से इच्छा थोड़ी होती है। क्या कह रहे हैं पंडित जी कि ऐसा कहा जाता है कि नारकी बहुत दुखी हैं और देव बहुत सुखी हैं, तो इसका मीनिंग ये नहीं कि वहां जैसे ऊपर वर्णन किया कि नरक की भूमि, नरक की सर्दी गर्मी और नरक के जितने भी दुख हैं, जितनी भी वहां की कंडीशंस हैं, वो कंडीशन दुख का कारण नहीं है। कि उन नारकियों में जो तीव्र कषाय की इच्छा है, कि तीव्र कषाय से बहुत कार्य करने की इच्छा है, वो जो इच्छा है वो इच्छा दुख का कारण है, और वो इच्छा इतनी तीव्र है कि वहां दुख भी तीव्र है। और देव गति में कषाय मंद है और मंद कषाय होने से इच्छा भी मंद है और इच्छा मंद होने से दुख भी मंद है।
इसीलिए उसको सुखी कहते हैं। कल भी एग्जाम्पल लिया था कि सुखी कैसे कहा, बहुत दुख की अपेक्षा उसको सुखी कहा, लेकिन जो वास्तव में सुख है उसकी अपेक्षा तो वो भी बहुत दुखी है। तो जो नारकी दुखी और देव सुखी कहे जाते हैं वह भी इच्छा की अपेक्षा कहते हैं, क्योंकि नारकियों को तीव्र कषाय से इच्छा बहुत होती है और देवों के मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है। तथा मनुष्य तिर्यंचों को भी सुखी दुखी इच्छा की ही अपेक्षा जानना। देखो जब सुख दुख की बात आती है तो नारकियों को सबसे ज्यादा दुख और देवों को सबसे ज्यादा सुख ऐसा कहा जाता है। वास्तव में ऐसा है नहीं कि देवों को सुख नहीं है दुख है, लेकिन वहां सुख कहा जाता है कि बहुत दुख की अपेक्षा वहां सुख कहा जाता है। और मनुष्य तिर्यंचों के जो दुख है उनको बीच में लिया जाता है, नारकी और देवों के। इसीलिए यहाँ पंडित जी ने क्या कहा कि पहले कह दिया नारकी दुखी और देव सुखी कह के कैसे कहे जाते हैं, अब कह रहे हैं कि मनुष्य तिर्यंचों को भी सुखी दुखी इच्छा की अपेक्षा जानना, कि बाह्य कोई भी कारण उनको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। कि यदि वह जीव इच्छा ना करे तो भाग के कोई से कारण में ऐसी शक्ति नहीं कि वो हमको सुखी या दुखी कर दे। इसीलिए सुखी दुखी इच्छा की अपेक्षा जानना। अब देखो तो यहाँ भी सुखी जो कहा कि इच्छा की अपेक्षा जानना, वो सुखी कम दुख को कहा, ऐसा नहीं कि यहाँ ये कह दिया कि सुखी इच्छा की अपेक्षा जानना तो सुखी भी इच्छा के माध्यम से हुआ जाता है, नहीं। इच्छा के माध्यम से तो दुखी होगा, बस जो सुखी दुखी कहा जा रहा है वो कम और ज्यादा सुख दुख वो कम और ज्यादा दुख को लेकर कहा जा रहा है, कि सुखी यानी कम दुख, दुखी यानी बहुत दुख। तो वो इच्छा की ही अपेक्षा जानना। तीव्र कषाय से जिसके इच्छा बहुत है उसे दुखी कहते हैं, मंद कषाय से जिसके इच्छा थोड़ी है उसे सुखी कहते हैं। परमार्थ से दुख ही बहुत या थोड़ा है सुख नहीं है। देखो पंडित जी ने क्लियर कर दी कि कहीं कोई अन्यथा ना ले ले, कि अपेक्षा को भी लिया लेकिन अपेक्षा को क्लियर भी कर दिया कि तीव्र कषाय से इच्छा बहुत है तो बहुत दुखी है और मंद कषाय से इच्छा थोड़ी है तो उसे सुखी कहते हैं, लेकिन सुख नहीं है दुख ही बहुत या थोड़ा है। देवादिकों को भी सुखी मानते हैं वह भ्रम ही है। कि आज क्या है कि जीव को क्या लगता है कि देवगति में सुख है, इसीलिए वो हर कार्य ऐसा करता है कि मुझे देवगति मिल जाए, कि मुझे देवगति मिल जाए। और देवगति का दुख पंडित जी को बता के आए हैं कि कैसे कैसे दुख हैं देवगति में भी। तो देवों को भी जो हम सुखी मानते हैं वो भी भ्रम ही है, उनके चौथी इच्छा की मुख्यता है इसीलिए आकुलित हैं। कि जो देवादिक हैं उनको पहली तीन इच्छाओं की मुख्यता नहीं है इतनी, लेकिन चौथी इच्छा की मुख्यता है, और इच्छा तो आकुलता का कारण है और आकुलता दुख का लक्षण है, इसीलिए चौथी इच्छा वाले भी आकुलतावान हैं, आकुलित हैं, दुखी हैं। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से होती है। देखो यहाँ क्या कह दिया कि ये जो इच्छा होती है वो मिथ्यात्व से होती है, अज्ञान से होती है, असंयम से होती है। मिथ्यात्व यानी मिथ्या दर्शन, अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान, असंयम यानी मिथ्या चारित्र। तो मिथ्या मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, इनसे ही इच्छा होती है, वही दुख का कारण बनती है। इस प्रकार जो इच्छा होती है वह मिथ्यात्व अज्ञान असंयम से होती है, तथा इच्छा है सो आकुलतावान है, सो आकुलता में है, और आकुलता है वह दुख है। इस प्रकार सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो ही रहे हैं, पीड़ित ही हो रहे हैं। सर्व संसारी जीव, कि कोई ऐसा नहीं जो सुखी हो रहा हो, सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। देखो ये क्या कहा, सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो रहे हैं। अब यहां भी किसी को शंका हो सकती है कि जो अरिहंत परमेष्टि हैं वो भी अरिहंत दशा में कैसे हैं, संसारी हैं, तो क्या वो भी दुखों से पीड़ित हो रहे हैं? तो यहाँ पर ऐसी अपेक्षा नहीं है। यहाँ पर देखो क्या कह दिया ऊपर, पहले
पहले क्या क्या आए हैं कि इच्छा जो होती है वो मिथ्यात्व अज्ञान और संयम से होती है, और भाई इच्छा आकुलता में है और भाई आकुलता दुख है। तो अर्यंत परमेष्टि को मिथ्यात्व भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, असंयम भी नहीं है, इसीलिए वो दुखी भी नहीं है। कि जो कहा जा रहा है कि सर्व संसारी जीव नाना दुखों से पीड़ित हो रहे हैं, तो सर्व संसारी जीव में जो मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम के साथ हैं, उन जीवों की यहाँ बात हो रही है। ऐसे अनंत दुख हमने अनादिकाल से भोगे हैं, और यदि अभी भी हमने इस मनुष्य लोक का सदुपयोग नहीं किया तो आगे भी ऐसे दुखों को भोगेंगे। इसीलिए हमें आगे ऐसे दुखों को ना भोगना पड़े, इसके लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, उस दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए। इसे देखो पंडित दौलतराम जी ने भी कहा, तीसरी डार में पंडित दौलतराम जी कहते हैं, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही ना ताते, शिव मगला गौ चाहिए। कि आत्मा का हित वास्तव में सुख में ही है, दुख में आत्मा का हित नहीं है, और जो सुख है वो आकुलता से रहित है, और वो आकुलता शिव मार्ग में नहीं है, इसीलिए शिव मार्ग में लगना चाहिए। इसीलिए हमको भी प्रति समय मोक्ष मार्ग में लगने के लिए उसी दिशा में पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी वास्तव में संसार दुख से छूट सकते हैं। अब संसार में सुख नहीं है तो सुख कहाँ पर है, ये प्रश्न आता है, तो उसका पंडित जी आगे जवाब दे रहे हैं कि संसार में तो सुख है नहीं, तो सुख कहाँ पर है ये बताएंगे, और फिर उस सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है वो बताएंगे। तो देखो हेडिंग क्या कह रहे हैं, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। तो सुख कहाँ पर है, मोक्ष में है, तो बताएंगे वो अभी यहाँ पे, और फिर उसकी प्राप्ति का उपाय भी बताएंगे। अब जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो, क्योंकि ऊपर बता के आए हैं कि इच्छा ही दुख का कारण है और कुछ भी दुख का कारण नहीं है। देखो ऊपर बताया था ना चार प्रकार की इच्छाओं में, कि विषय ग्रहण की इच्छा है वहां कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है, लेकिन विषय ग्रहण की इच्छा पूरी नहीं होती तो दुखी रहता है। कषाय से कार्य करने की इच्छा है, कषाय से किसी का बुरा करने की इच्छा है, किसी का अहित करने की इच्छा है, लेकिन और कोई पीड़ा नहीं होने पर भी, कोई दुख नहीं होने पर भी, जब तक दूसरे का बुरा ना हो जाए, दूसरे का अहित ना हो जाए, तब तक यह जीव दुखी रहता है। तो ऐसे ये इच्छा ही दुख का कारण है, इसीलिए जिन जीवों को दुख से छूटना हो वे इच्छा दूर करने का उपाय करो। तथा अच्छा ये देखो अब क्या कह रहे हैं पंडित जी, कि जिनको दुख से छूटना हो, अब भाई जिनको दुख से नहीं छूटना वो इच्छा ग्रहण करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनको इस संसार में दुख लगता हो, मैं दुखी हूं ऐसा भाषित होता हो, उसे दुख को छुड़ाने की इच्छा हो, तो वह इच्छा दूर करने का प्रयास करो, इच्छा दूर करने का उपाय करो। और इच्छा दूर कैसे होगी, कि इच्छा दूर तभी होती है जब मिथ्यात्व अज्ञान असंयम का अभाव हो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हो। देव ऊपर कह के आए हैं कि इच्छा कैसे होती है, मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम से होती है, इसीलिए वो दूर भी कब होगी, जब मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम दूर हो जाएगा, जब मिथ्यात्व अज्ञान और असंयम का अभाव हो जाएगा और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। इसीलिए इसी कार्य का उद्यम करना योग्य है, कि करना योग्य कुछ है यदि तो यही कार्य करने योग्य है, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही करने योग्य है। बाकी सभी कार्य तो हमने अनादि काल से संसार में भ्रमण करते हुए अनंत बाल किए हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं कि जो हमने नहीं किया हो। हमने देवों का पद भी अनंत बार पाया है, नरकों में भी अनंत बार गए हैं, तिर्यंच में भी अनंतों बार जन्म लिया है, लेकिन आज तक जो करने योग्य सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र था वह हमने नहीं किया। इसीलिए अब तो मिथ्यात्व अज्ञान असंयम
जो दुख का कारण है, जो इच्छा का कारण है, उनका अभाव करके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करने का उद्यम करना ही योग्य है। ऐसा साधन करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। ऐसा साधन करने पर, कैसा साधन करने पर, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप अवस्था करने पर जितनी जितनी इच्छा मिटे। देखो इसका क्या मीनिंग है, कि ऐसा नहीं कि सम्यक दर्शन हो गया तो जीव की सभी इच्छा मिट गई, नहीं, लेकिन उसे वो स्वरूप भली भांति ख्याल में आ गया। जैसे कषाय भाव के अकॉर्डिंग कार्य करने की बुद्धि थी, कर्तृत्व बुद्धि थी, तो अब जब सम्यक दर्शन ग्रहण किया, वस्तु व्यवस्था को समझा, वस्तु स्वरूप को ख्याल में लिया, तो समझने में आया कि ये कार्य भवितव्य आधीन है, मेरे आधीन नहीं है, इसीलिए वो कर्तृत्व बुद्धि छूट गई। और कर्तृत्व बुद्धि छूट गई तो कर्तृत्व बुद्धि की जो इच्छा थी वो इच्छा भी छूट गई। तो ऐसा करके जितनी जितनी इच्छा मिटे उतना उतना दुख दूर होता जाता है। और जब मोह के सर्वथा अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो, तब सर्व दुख मिटता है, सच्चा सुख प्रकट होता है। और ऐसे धीरे धीरे इच्छा मिटने पर धीरे धीरे दुख दूर होता जाता है। और जब मोह का सर्वथा अभाव हो जाए, कि मोहिनीय कर्म पूरी तरह से नष्ट हो जाए, तो सर्व इच्छा का अभाव हो, तब सर्व दुख मिटता है और सच्चा सुख प्रकट होता है। इसीलिए जब क्षीण मोह 12वें गुण स्थान में मोहिनीय कर्म का पूरी तरह से अभाव हो जाता है, तो अगले ही पल अगले ही गुण स्थान में अनंत चतुष्ट रूप अनंत सुख रूप दशा प्रकट हो जाती है, अरिहंत परमिष्टि की दशा प्रकट हो जाती है। ऐसी वो दशा उत्पन्न हो जाती है जो सच्चे सुखी हैं, जो अनंत सुखी हैं, ऐसे वो अरिहंत परमिष्टि, उनको हमारा नमस्कार हो। तो ऐसे वो मोह के सर्वता अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो जाता है, सर्व दुख मिट जाता है और सच्चा सुख प्रकट हो जाता है। तथा ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय का अभाव हो, तब इच्छा के कारणभूत क्षयोपशमिक ज्ञान दर्शन का तथा शक्तिहीन पने का भी अभाव होता है, अनंत ज्ञान दर्शन वीर की प्राप्ति होती है। कि देखो सबसे पहले क्या जाता है, मोहिनीय कर्म, इसलिए पहले क्या लिखा, मोह के अभाव से सर्व इच्छा का अभाव हो, सर्व दुख का अभाव हो, सच्चा सुख प्रकट हो जाता है। और ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का फिर अभाव होता है, तो जो इच्छा के कारण वो क्षोभसमिक ज्ञान दर्शन आदि है, शक्ति का हीनपना अधिकपना था, वो सारा भी उसका भी अभाव हो जाता है, अनंत ज्ञान दर्शन वीर की प्राप्ति हो जाती है। अनंत ज्ञान दर्शन वीर के साथ अनंत सुख की प्राप्ति होकर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो जाते हैं, ऐसे वो हमारे अरिहंत परमिष्टि हैं, जो निरंतर सौ सौ इंद्रों के द्वारा बंधित हैं। विचार करें तो ऐसे वो अनंत चतुष्टय के धनी हमारे अरिहंत परमिष्टि हैं। और मोह का अभाव होने पर, इच्छा का अभाव होने पर ही सर्व दुख मिटता है और सच्चा सुख प्रकट होता है उनको। तथा कितने ही काल पचास, देखो ये सारा वर्णन क्यों कर रहे हैं, कि अब क्या बताना है कि सुख कहाँ पर है, मोक्ष में है। तो यहां से लेके मोक्ष दशा तक का वर्णन कर रहे हैं कि मोक्ष दशा कैसे पाते हैं। तो पहले मोह का अभाव किया, और मोह का अभाव करके 12वें गुण स्थान ग्रहण किया, फिर ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का अभाव करके अनंत चतुष्टय प्रकट किया, और 13वें गुण स्थान प्रकट किया, और फिर 14वें गुण स्थान को प्राप्त करके, और फिर कुछ काल बाद मोक्ष को जाएंगे। तो भाई दशाएं बताने वाले हैं कि अनंत ज्ञान दर्शन वीर की प्राप्ति होती है, तथा कितने ही काल पचास अघाती कर्मों का भी अभाव हो, तब इच्छा के बाह्य कारणों का भी अभाव होता है। कि जो वेदनीय साता वेदनीय साता वेदनीय के निमित्त से जो बाह्य कारण मिल रहे थे, अब उन बाह्य कारणों का भी अभाव हो जाता है, क्योंकि अब अघाती कर्मों का भी अभाव हो गया। क्योंकि मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में
कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं है। मोह के होने पर कारण थे, इसीलिए कारण कहे हैं, उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। कि मोह एक बार चला गया तो मोह के जाने के बाद किसी भी काल में किसी भी पदार्थ को मैं इतनी शक्ति नहीं कि वो इच्छा उत्पन्न करा सके, ऐसे समर्थ नहीं। कि यदि कोई मोह चले जाए तो जिनेन देव भी समर्थ नहीं कि उसको इच्छा उत्पन्न करा दें। जिनेन देव की ऐसी इच्छा नहीं है इच्छा उत्पन्न करा दें, मतलब इसका भावा समझे कि सेम जिनेन देव भी समर्थ नहीं है कि उसको इच्छा उत्पन्न करा दें, तो भारी सामग्रियों की तो बात ही क्या। ऐसी जीव की मोह जाने के बाद दशा हो जाती है। और इसके जीते जागते उदाहरण हमारे मुनिराज हैं, प्रथमान योग इन घटनाओं से भरा हुआ है कि अनेक उपसर्ग आने पर भी, अनेक इष्ट सामग्रियों का संयोग होने पर भी, इष्ट अनिष्ट कैसा भी संयोग हो, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं हुई। ना अनिष्ट संयोग को दूर करने की इच्छा हुई, ना इष्ट सामग्रियों को भोगने की इच्छा हुई। ऐसे वो हमारे मुनिराज धन्य है, धन्य है वह मुनि दशा। मोह चले जाने के बाद किसी भी काल में कोई इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं थे। मोह के होने पर कारण थे, इसीलिए कारण कहे हैं, उनका भी अभाव हुआ तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त करते हैं। ऐसे उन सिद्ध परमिष्टियों को हमारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वहां दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदाकाल अनुपम अखंडित सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं। बोलो ऐसे अनंत का सिद्धालय में अपने में लीन रहने वाले, अनंत सुखी अपने निःसुख स्वभाव में रहने वाले सिद्ध प्रविष्टि भगवंतों को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभी बाकी का कर लेते हैं, अभी यहाँ तक किसी को कोई शंका हो तो पूछ लें। जिनवाणी स्तुति करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोए जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो। सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो, सदा देत हूँ ढो। पंच पमिष्टि के स्मरण पूर्वक नौवा नौका मंत्र का जाप करते हुए कायस्थ करें।